subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, welcome back to my channel. आज का ये वीडियो स्पेशली MI यूजर के लिए होने वाला है. यदि आप भी MI फोन यूज करते हैं और आपको यह प्रॉब्लम आ रही है कि आपके फोन का जो स्पीकर है उसमें काफी स्लो आवाज आती है, या हो सकता है उसमें धूल मिट्टी या डस्ट लगने के कारण वो काफी धीरे धीरे आवाज दे रहा है, तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो धूल मिट्टी निकालने के लिए आपको फोन को खोलना पड़ता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको फोन को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा. यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना होगा. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्लियर स्पीकर, तो इस पर आपको क्लिक करना है. तो इसे ऑन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ कैसे होता है. तो इसे हम जैसे ही टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बीप की साउंड आएगी और वो काफ़ी तेज होता है, तो उसकी मदद से हम यहाँ पर स्पीकर को क्लियर कर सकते हैं. यहाँ पर जो भी डस्ट होते हैं हमारे स्पीकर में वो यहाँ पर इस बीप की मदद से बाहर आ जाते हैं. तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हैं, स्पीकर ब्लॉक एंड मैन्युअली. और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको किस तरह से मोबाइल को शेक करना है, यानी कि जब वो बीप की साउंड आएगी तब आपको इसे फ़ोन को हिलाना होगा. तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ. तो ये हमने इसे ऑन किया तो आप देख सकते हैं अभी आवाज़ आ रही है. तो आपको मोबाइल की आवाज़ को फुल कर देना है. तो अभी आपको देख सकते हैं, तो अभी आपको इसे हिलाना होगा. तो अभी हमने इसे बंद कर दिया है. आपने सुना होगा कितनी तेज यहाँ पर बीप का साउंड होता है, तो ये जो साउंड होता है इसकी मदद से जो भी डस्ट होता है वो सब बाहर आ जाता है, जो भी धूल मिट्टी होती है. तो आपको इसे बस 2 से 3 बार ऑन करना होगा और अपने फ़ोन को इसे शेक करना है, तो यहाँ पर जो भी डस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा. और यदि आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप अपने फ़ोन को एक बार अपडेट कर लेना. तो उसके लिए आप अबाउट फोन में जाना और यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करना है. और अगर अपडेट आता है तो आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, तो आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा. तो अभी हम MIUI 11 पे रन कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है. तो बस इस वीडियो में इतना ही. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.